फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेडनेसडे और मैंने आज मंदिर की क्लीनिंग की है। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे टाइम मिलने पर महीने में एक से दो बार मैं मंदिर की क्लीनिंग जरूर कर लेती हूँ। तो मेरा काम सारा कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं बेबी भी उठ गया है। तो अब मैं करूंगी लंच की तैयारी। तो आज लंच में बनाऊंगी सेव की सब्जी, तुलसी और टमाटर, जो इंदौर में काफी फेमस है और यहाँ के लोग काफी पसंद करते हैं। ये सब्जी यहाँ के रेस्टोरेंट में भी काफी मिलती है और पहले मैंने कभी नहीं खाई थी। जब से मैं शादी करके आई हूँ यहाँ पर इंदौर में, तो मुझे काफी पसंद आती है, तो मैं ये घर में भी बनाती हूँ। तो चलिए मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और आज अपने बेबी के लिए मैं बनाऊंगी आलू और रवे का चीला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसमें मैंने एक छोटा चम्मच ऑयल डालूंगी। जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर चुटकी भर हींग डालूंगी। तो हींग हमारी भुन चुकी है। आइए अब इसमें मैं कुछ सूखे मसाले और एक टमाटर ऐड करूंगी। तो इसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला और जीरा पाउडर, ये सब मैंने टमाटर में मिक्स करके कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं ये सेब डालूंगी, ये रतलामी सेब है, और इसको हम अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक गिलास पानी ऐड करूंगी। और पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक मैं चीले के लिए घोल तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है और इसमें एक चम्मच मैं रवा ऐड करूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक घोल तैयार कर लूंगी। तो देखिए रवे का घोल हमारा तैयार हो गया है। अब इसको फूलने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए मैं ढक्कन से ढककर अलग रख दूंगी। इसके बाद चलिए मैं रोटियां बना लेती हूँ और सब्जी हमारी बॉईल हो रही है। तो सब्जी भी हमारी बन चुकी है। तो आइए अब मैं इसके अंदर हरा धनिया काट के ऐड कर देती हूँ। चलिए अब इसके बाद मैं चीला बना लेती हूँ। तो इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, ओनली चुटकी भर मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद तवे को गर्म करके उस पर एक चम्मच देसी घी का डालूँगी। और इसको हम तवे पर अच्छे से फैला देंगे।
इसके बाद बैटर को इस के ऊपर फैला दूंगी। और अब इस चीले को मैं सिम आंच पर पकने दूंगी। तो चीला हमारा एक तरफ से पक चुका है। अब इसे हल्के हाथों से हम दूसरी तरफ से पलट दूंगी। तो मेरा चीला थोड़ा सा टूट गया क्योंकि आलू का और रवा का ये थोड़ा सॉफ्ट था। तो चलिए चीला हमारा पक चुका है, मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंक लिया है। तो ये हमारा खाना तैयार है और ये हमारे छोटे बेबी का। हमारा लंच हो चुका है। आज रात के डिनर के लिए मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, करेला और प्याज की सब्ज़ी। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। तो करेलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मैं बीच में से कट करके इसके छोटे छोटे स्लाइस कर लूँगी। करेले को कट करने के बाद अब एक पैन में मैंने तेल, सरसों का तेल डाल दिया है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है तो मैंने 1.5 चम्मच डाला है। इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच सौंफ डाली है। सौंफ डालने के बाद इसमें मैं करेले ऐड कर दूंगी। करेले डालने के बाद इसे हम ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं 3-4 बड़ी प्याज काट लूँगी स्लाइस में। तो प्याज को भी मैंने करेले के अंदर ऐड कर दिया है और अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसके ऊपर कुछ सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। तो इसमें मैंने गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है क्योंकि करेले की सब्ज़ी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। अब करेले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो करेले की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज रात का डिनर है हमारा करेले की सब्ज़ी, दाल, दलिया और प्याज और रोटी। तो फ्रेंड्स, आज रात का डिनर हमारा हो चुका है और आज के इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टेक केयर।